हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 34 है, जहां पे आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे MCQs भी आपके काफ़ी सारे बनते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये बनता है, तो आइए देखते हैं। आज हम इसका पार्ट वन पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट टू पार्ट थ्री भी ऐसे आगे फर्दर आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें देखना है द वर्ड बजट इज डिराइव फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड बुगेट विच मीन्स अ लेदर बैग और पर्स। एक फ्रेंच वर्ड है बुगेट, जिससे बन के आया है बजट आपका। इसका मतलब क्या होता है? लेदर बैग, ठीक है, एक लेदर बैग या फिर पर्स। और आपको पता था कि पहले आपका जो बजट था वो एक लेदर बैग में ही बन के आता था, ठीक है। बाद में तो आज के टाइम पे क्या हो चुका है आपका, पेपरलेस हो चुका है, टैब में आता है अब तो, ठीक है। बट अभी क्या था, पहले ये लेदर में ही, लेदर बैग में ही आता था। तो बेसिक इसका मतलब क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो भी हमारा फाइनेंशियल प्लान है कि हमारे पास एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, एस्टिमेटेड हमारे रिसल्ट्स कितने आने वाली है, किस सेक्टर पे कितना पैसा लगने वाला है, कितना 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 टैक्स का पैसा आने वाला है, कितना फिस्कल डेफिसिट होने वाला है, सारी की सारी चीजें हमका लेखा जोखा कौन कहलाता है? बजट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट आपका कहते हैं। बजट आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट यूनियन बजट भी होता है, स्टेट बजट भी होता है, और आपका लोकल गवर्नमेंट भी अपने बजट प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी हम यूनियन बजट के बारे में बात करेंगे कि यूनियन बजट बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो एक फिस्कल ईयर में, या एक फिस्कल ईयर कह लो या फिर एक फाइनेंशियल ईयर कह लो, इसके अंदर जो भी एस्टिमेटेड रिसिट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके बजट कहलाते हैं। गर्मी बहुत है आज, और फिस्कल ईयर आपको पता ही है 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका फिस्कल ईयर माना जाता है, ओके। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च बाय नेक्स्ट ईयर, ओके, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे बच्चा कंपोनेंट की। एक सिंपल सी बात है कि जब गवर्नमेंट बजट में दो ही चीजें हमें पढ़नी होती है, पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ को लगेगा, आने वाला पैसा रिसिट, जाने वाला पैसा एक्सपेंडिचर। तो बजट के कंपोनेंट ही यही होते हैं, बजट रिसिट एंड बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिट, पैसे आने के जो रास्ते हैं उन रास्तों को हमने अलग अलग नाम दे दिया। पहला रेवेन्यू रिसिट, दूसरा कैपिटल रिसिट, फिर खर्चा, खर्चा होने वाले के रास्ते हमने अलग अलग बना दिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वही चीज है, हम यहाँ पे सबसे पहले हम रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन कैपिटल रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे हम यहाँ पे इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू बजट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेवेन्यू बजट में क्या है आपका। इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम सच रेवेन्यू। जो भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है उससे गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेंडिचर करती है, वही हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में इस बजट में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम सिर्फ रेवेन्यू रिसिट के बारे में पढ़ेंगे, एंड फ्रॉम फर्दर लेक्चर्स विल स्टार्ट फर्दर टॉपिक्स, ओके। देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहला रेवेन्यू रिसिट, इसे हिंदी में बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। क्या बोलते हैं? राजस्व प्राप्तियां। क्या होता है बेसिकली, देखिए, दोज रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच नाइदर क्रिएट द लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस द असेट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिट। गवर्नमेंट के वो रिसिट्स जो ना तो, क्या लिखा हुआ है, नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, पैसा इस तरीके से आना जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, लाइबिलिटी बढ़ जाए, नॉर रिड्यूस द असेट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिट, और ना ही कोई असेट यहां पे क्या हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट। मतलब पैसा इस तरीके से आना जिससे ना तो कोई लाइबिलिटी खड़ी हो और ना ही कोई असेट में गिरावट हो, ना ही लाइबिलिटी खड़ी हो ना ही कोई असेट में गिरावट हो, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट, ओके। जैसे गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा आता है, मतलब गवर्नमेंट के पास आया 500 करोड़ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया, अब इससे मुझे बताओ क्या जो पैसा टैक्स का गवर्नमेंट के पास आया क्या उससे लाइबिलिटी खड़ी हुई? नहीं। क्या आपकी असेट में गिरावट हुई? नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है। तो समझ में आ गया, ऐसे पैसे को ही क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिट फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ओके। फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को मेड की जाती है, जो गवर्नमेंट को पे की जाती है।
अगर कोई भी पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने का, तो भैया उसको तो पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप उसमें उसमें कोई चीज दो राय नहीं है, तो आपको टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो यहां देखते हैं क्या है टैक्स के बारे में। अ टैक्स इज अ लीगली अ कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, हम पे इम्पोज करती है, जो कि हमें पेमेंट उसको करनी ही करनी पड़ती है। अगर हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, वहां पर दुनिया भर के चार्जेस यहां पर लग जाएंगे। तो ये टैक्स है। अब टैक्स के अंदर भी दो चीजें आती हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सिंपल सा है बच्चा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसका बर्डन, जिस पर टैक्स लगा है उसका बर्डन हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पर टैक्स लगा है वही वो टैक्स पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जहां पे आपका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। कैसे? देखिए यहां पर डायरेक्ट टैक्स क्या है, व्हेन लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड द बर्डन ऑफ दैट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड बर्डन ऑफ दैट टैक्स, जिस पे लायबिलिटी है पे करने की और एक्चुअल बर्डन जो पे करने का है वो सेम पर्सन होगी। मान लो मेरे पे लायबिलिटी है कि भैया मेरे इनकम से 2 लाख का टैक्स जाएगा और पे भी मुझे ही करना है, तो मेरा टैक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। उसी को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो कि आपकी कई सारे फॉर्म में देखा होगा, इनकम टैक्स की फॉर्म में, कॉर्पोरेट टैक्स की फॉर्म में, टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू एंड कैपिटल गेन्स। तो ये सारे टैक्सेस क्या कहलाते हैं बच्चा? आपके डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, जिसका बर्डन सेम पर्सन पे होता है, जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। नाउ मूव टू इनडायरेक्ट टैक्स एंड नाउ टेल मी व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जहां पे बच्चा लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन बोथ आर डिफरेंट पर्सन। जैसे आप सब मूवी देखने गए होंगे, मूवी देखने जाते हो, मूवी की टिकट होती है 220 रुपए, 200 रुपए टिकट मान लो, बट आपसे चार्ज किया था 270 रुपए, 280 रुपए। क्यों? क्योंकि 80 रुपए आपका एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, जो आज के टाइम पे नहीं है, मुझे पता, आप जी आपका जीएसटी होता है अब। तो मान लो 80 रुपए हमसे एक्स्ट्रा लिए, वो 80 रुपए किस पे? पीवीआर वालों पे लगे होते हैं, बट पे कौन करता है? हम लोग पे करते हैं। तो बर्डन किस पे था? लायबिलिटी किस पे थी टैक्स की पे करने की? पीवीआर वालों पे। एक्चुअल बर्डन किसने पे करा? हमने पे करा। समझ गया? तो यहां पे दो अलग पर्सन होते हैं, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए यहां पर, व्हेन लायबिलिटी टू पे अ टैक्स इज वन पर्सन एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी फॉल्स ऑन सेम सम अदर पर्सन, पे किसी और, लायबिलिटी किसी और पे है और बर्डन किसी और पे है, तो वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड आपको पता ही अब तो सारे मिला के जीएसटी हो चुका है। समझ गए? नेक्स्ट टैक्स वी हैव नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स होता है अदर देन टैक्स। क्या लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। भैया टैक्स के अलावा जो भी गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है, जिससे ना तो कोई लायबिलिटी खड़ी हो और ना ही असेट में गिरावट हो, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाएगी। ओके, क्या क्या एग्जाम्पल है? सबसे पहला इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी को स्टेट लोन दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। डिविडेंड, गवर्नमेंट की कंपनियां जो होती है पीएसयू, वहां से डिविडेंड आ रहा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा रही कोई कंपनियां। फी, गवर्नमेंट की कोई सर्विस अगर आप अवेल करते हो, कोई भी सर्विस, अगर आप जैसे लॉयर सर्विस है, कुछ भी आप सर्विस अवेल करते हो, आपको फी करनी पड़ती है। रजिस्ट्री बनवा रहे हो आप, कोई एफिडेविट बनवा रहे हो, तो उसका फी पे करते हो ना, वही है। फाइन, अगर आप कोई लॉ ब्रेक करते हो, रेड लाइट जंप कर दी तो लॉ ब्रेक हो गया, फाइन हो गया। एक्सटर्नल ग्रांट गिफ्ट, कोई भैया बाहर से हमें गिफ्ट दे रहा है, ग्रांट दे रहा है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? एक्सटर्नल ग्रांट गिफ्ट में। एस्टेट में क्या आएगा? एस्टेट में होता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको बेच के क्लेम करके जो पैसा आता है वो पैसा अपने पास रख लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? एस्टेट्स कहते हैं। यहाँ पे आपका वो भी आता है, लाइसेंस, लाइसेंस भी आता है आपका, ठीक है। तो लाइसेंस क्या होता है? भैया कि गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, जैसे आपको डीएल बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब क्या होता है? कि गवर्नमेंट ने आपको अनुमति दे दी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से, मतलब आप गाड़ी आसानी से चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो बच्चा आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिट पूरा कंप्लीट कर लिया, कि रेवेन्यू रिसिट के दो पार्ट होते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था, चलते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।